राजस्थान के चूरू जिले में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो सालासर बालाजी के नाम से जाना जाता है। बालाजी के प्रकट होने की कथा जितनी ही चमत्कारी है उतने ही बालाजी भी चमत्कारी और भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। बालाजी को नियमित खीर चूरमे का भोग लगाया जाता है, तो आइए हम आपको हमारी इस खास पेशकश के माध्यम से बताते हैं सालासर बालाजी की कुछ चमत्कारी बातें। सिद्ध पुरुष एवं भक्त शिरोमणि बाबा मोहनदास जी महाराज की तपोस्थली और वर्तमान में जन जन की आस्था का केंद्र सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील की पूर्वी सीमा पर स्थित है। रियासत काल में सालासर ग्राम बीकानेर के राज्याधीन था, जहां पंडित सुखराम जी अपनी धर्म पत्नी कानीबाई के साथ निवास करते थे। संभवतः यह देश का अकेला ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी मूछ में है। दाढ़ी मूछ में यह भगवान की मूर्ति होने के पीछे एक खास और रोचक मान्यता है। बताया जाता है कि संत मोहनदास जी अपनी बहन कानीबाई के घर भोजन कर रहे थे, इसी दौरान बालाजी ने उन्हें साधु के वेश में दर्शन दिए। मोहनदास जी ने इसी रूप में बालाजी को प्रकट होने के लिए कहा था, इसलिए हनुमान जी यहाँ दाढ़ी मूछों में स्थित है। बताया जाता है कि आसोटा में एक जाट खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से जा टकराई। उसे निकाल कर देखा तो एक पत्थर था। जाट ने अपने अंगोचे से पत्थर को पोंछ कर साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतने में जाट की पत्नी खाना लेकर आई, उसने बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का पहला भोग लगाया। यही कारण है कि बालाजी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि जिस दिन यह मूर्ति प्रकट हुई उस रात बालाजी ने सपने में आसोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ मोहनदास जी को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी उसे सालासर पहुंचने तक कोई नहीं चलाए, यह बैलगाड़ी खुद रुक जाए, वही मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। सपने में मिले निर्देश के अनुसार ही मूर्ति को वर्तमान स्थान पर ही स्थापित किया गया है। संत मोहनदास जी महाराज अपने यहाँ बहन के पास आए थे कानीदास जी के पास में, और यहाँ रह करके उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद में उन्होंने बालाजी का उनका साक्षात्कार हुआ कि मैं सालासर आ रहा हूँ। तो मोहनदास जी महाराज ने पूछा कि भाई आप कब आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, वो आप मेरे को बताओ। कि नहीं, मैं सालासर आ रहा हूँ और श्रावण सुदी नौमी शनिवार के दिन आ रहा हूँ। तो ऐसा हुआ कि यहाँ सुजानगढ़ और लाडनो के पास में एक आसोटा ग्राम, वहाँ किसान हल चला रहा था। उस टाइम क्या है कि जो भी जमीन में सब जो निकलती थी वो वहाँ के राजा का जो हक होता था, तो वो एक मूर्ति निकली। तो वहाँ मूर्ति निकलने के बाद में वो किसान ने कहा राजा को कि महाराजा ये जो मूर्ति निकली है वो जमीन में से निकली है। तो मूर्ति बड़ी सुंदर थी, तो राजा ने वहाँ सोचा कि यार क्यों नहीं अपने यहाँ महल में इस मूर्ति को रखें। तो महल में जो ही मूर्ति को रखा तो रात को सौपन में बोला कि आप मेरे को सालासर पहुँचाओ। तो उन्होंने कहा कि यार रात को ऐसा ही को सौपन आ गया होगा। फिर दूसरे दिन फिर राजा को सौपन आया कि आप मेरे को सालासर पहुँचाओ। तो क्यों सालासर कहाँ है, क्यों सालासर मेरा भक्त इंतज़ार कर रहा है, मैं वहाँ जा कर के मैं अपने आप आपको बता दूंगा कि मेरे को यहाँ रुकना है। तो वहाँ से राजा ने बैलगाड़ी में बिठा करके गाजे बाजे के साथ में यहाँ संत मोहनदास जी महाराज थे, उन्होंने कहा कि आज के दिन मेरे बालाजी आ रहे हैं। तो लोगों ने सोचा ये पगला बाबा है, ऐसे ही करता है। लेकिन वो सब लोग यहाँ 10-15 लोग यहाँ खड़े थे। वहाँ से जो हल वो बैल जो है गाड़ी वो चल करके यहाँ मंदिर तक आई। तो श्री मोहनदास जी महाराज ने बालाजी को गोद में लेकर के फिर यहाँ स्थापना की, और ये स्थापना पुजारी परिवार के द्वारा मंदिर की स्थापना की हुई है। ये छोटा जो बंगला है जहाँ बालाजी महाराज विराजमान है वो आज भी मिट्टी का बना हुआ है। संत शिरोमणि सिद्ध पुरुष मोहनदास जी महाराज की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं रामदूत हनुमान जी ने मूर्ति रूप में विक्रम संवत 1811 यानी साल 1755 श्रावण शुक्ल नवमी शनिवार को आसोटा गांव में प्रकट होकर अपने परम भक्त मोहनदास महाराज की मनोकामना पूर्ण की। अपने आराध्य से प्राप्त आशीर्वाद के फलस्वरूप मोहनदास जी महाराज ने विक्रम संवत 1815 यानी साल 1759 में सालासर में उदयराम जी द्वारा मंदिर निर्माण करवाकर उदयराम जी एवं उनके वंशजों को
सेवा पूजा कार्य सौंप कर स्वयं जीवित समाधिस्थ हो गए थे। बताया तो ये भी जाता है कि फतेहपुर के नूर मोहम्मद और दाऊ नामक मुस्लिम कारीगरों ने मंदिर का निर्माण किया था। वर्तमान में मंदिर परिसर लंबे चौड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है और सभी सुविधाएं भी है। देश भर में सालासर धाम अलग पहचान रखता है। सालासर बालाजी मंदिर प्रांगण में ज्योति प्रज्वलित की गई जो आज भी अखंड रूप से प्रज्वलित है। सालासर बालाजी मंदिर में दो प्रमुख उत्सव, पहला श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी को मोहनदास जी का श्राद्ध और दूसरा श्रावण शुक्ल नवमी को श्री बालाजी महाराज का प्रागट्य दिवस बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें बाबा के लाखों की संख्या में भक्तों और श्रद्धालु शामिल होते हैं। विश्व विख्यात सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए 125 से भी अधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त धर्मशालाएं हैं। वहीं सालासर धाम में प्रतिवर्ष दो मेले शरद पूर्णिमा और हनुमान जयंती पर आयोजित होते हैं। सालासर धाम में आने वाले सभी यात्रियों की सुविधा और धाम का विकास बालाजी मंदिर के माध्यम से श्री हनुमान सेवा समिति द्वारा किया जाता है। भक्त और भगवान का सीधा संबंध है। यहाँ किसी प्रकार का कोई मीडिएटर नहीं है। यहाँ कोई भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेके आता है, वो हमको अगर पूछता है कि यहाँ किस प्रकार से बालाजी से मन्नत मांगी जाती है, तो पुजारी परिवार ये उनको यही बताता है कि यहाँ एक नारियल के रूप में बालाजी महाराज के सामने रखिए जो आपकी मनोकामना है और उसको भगवान को सुनाइए, और निश्चित रूप से बालाजी महाराज आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, नारियल के माध्यम से पूरी करते हैं। ऐसे भी श्रद्धालु जो मन में भाव लेके आता है, ये अंतर्यामी है, बालाजी महाराज उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर में समर्पित भाव से मनोति यानी मनोकामना का नारियल बांधा जाता है। कहते हैं कि नारियल बांधने से बाबा अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ करीब करीब 200 सालों से श्रद्धालु मंदिर परिसर में ही लगे खेजड़ी के एक पेड़ पर लाल कपड़े में नारियल बांध कर जाते हैं। इन नारियलों को फेंका नहीं जाता, ना ही जलाया जाता है और ना ही कोई अन्य उपयोग इनका लिया जाता है। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। नारियलों को सालासर बालाजी मंदिर से करीब 11 किलोमीटर दूर मुरराकिया गांव के पास करीब 250 बीघा खेत में गड्ढा करके दबा दिया जाता है। यशोदा नंदन पुजारी ने बताया कि शुरुआती दिनों में इन नारियलों को धुणे की जोत में डालकर जला दिया जाता था, लेकिन तीसरी पीढ़ी के पुजारी परिवार के मुखिया को एक सपना आया। इस सपने में पुजारी ने देखा कि नारियलों के साथ भक्तों की मनोकामनाएं भी जल रही है। पुजारी ने अपने परिवारजनों को इकट्ठा किया और यह बात उनके साथ साझा की। इसके बाद मनोतों के नारियलों को सुरक्षित रखने का फैसला किया गया। नारियल की सुरक्षा हम लोग जो मन्नत के नारियल हैं उनकी सुरक्षा भी हम लोग करते हैं। आज तक जितने श्रद्धालुओं ने जितने मन्नत के नारियल चढ़ाए हैं वो हमारे पास आज भी सुरक्षित कर रखे हैं। हमने एक बड़े से गड्ढे में डाल के उसको कायम रखा है। इसलिए हमारी यही आस्था है कि यहाँ जो श्रद्धालु भगवान के यहाँ आते हैं वो अपनी मन्नत लेके आते हैं, मन्नत बालाजी महाराज स्वयं पूरी करते हैं। सालासर ऐसा स्थान है, साल में करोड़ों लोग बालाजी महाराज के यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको सालासर बालाजी से जुड़ी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको और भी चमत्कारी किस्से या जानकारी चाहिए तो हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके अनुभव हमारे लिए अनमोल हैं। क्या आपने कभी सालासर बालाजी के दर्शन किए हैं? आपके मन में कोई सवाल या साझा करने के लिए कोई कहानी है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप सालासर बालाजी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ की विशेष पूजा विधियाँ, भक्तों के अनुभव या यहाँ की यात्रा के बारे में दिए गए टिप्स, तो हमें बताएं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे जनता दरबार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी रोचक कहानियाँ और जानकारी प्राप्त कर सके। आपकी सहायता और समर्थन हमें नई कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। हमें आशा है कि आप जल्द ही सालासर बालाजी के दर्शन करें और उनकी कृपा से अपने जीवन में सुख समृद्धि अनुभव करें। जय बालाजी।